हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीकी वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पॉलिटी वन लाइनर्स के क्वेश्चंस। आज हम इसका पार्ट फोर कवर अप कर रहे हैं, बाकी के जो तीन पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट वॉट एज डू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर? तो इसका करेक्ट आंसर है 65 ईयर्स। अब अगर हम बात करें आर्टिकल की जो प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो क्या आर्टिकल है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? वो आपका आर्टिकल है 124 और सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयज ओरिजिनल एपलेट एंड कॉन्सुलेटिव ज्यूरिडिक्शन। चलिए नेक्स्ट, विच मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट will reconsider the case and the legal issues involved in it. तो उसका करेक्ट आंसर है appellate jurisdiction. चलिए next, who interprets the constitution? करेक्ट आंसर है judiciary. चलिए next देखते हैं, who is the custodian of Indian constitution? तो इसका करेक्ट आंसर है chief justice of India. चलिए next देखते हैं, next है what qualifications are mandatory for appointment as a judge of the supreme court in इंडिया? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, अ रेप्यूटेड जूरिस्ट शुड बी। चलिए नेक्स्ट है, वेयर इज इट प्रोहिबिटेड टू एडवोकेट फॉर रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया? चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट अदर देन अ चीफ जस्टिस कैन बी 25। चलिए, द लॉ मेड बाय द जुडिशरी इज कॉल्ड डिसीजन लॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश द प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स अबव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो वो थे गोलकनाथ केस। चलिए नेक्स्ट, बाय होम कैन द हाई कोर्ट जजेस बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्पिटेंसी और प्रूवन मिसकंडक्ट इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म? तो प्रेसिडेंट्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट के आर्टिकल की, तो वो किस आर्टिकल में मेंशन है? तो वो आपका मेंशन है आर्टिकल 214 हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट था आपका 124 में, ये दोनों का अलग अलग याद रखना है आपको। अब अगर हम बात करें हमारे टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में, तो इस समय है आपके 25 और जो आपका 25th है वो है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। और वो कब बना था? वो बना था 2019 जनवरी में, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हु कैन रिमूव द हाई कोर्ट जज? प्रेसिडेंट ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट? तो वो है करेक्ट आंसर 323A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। चलिए, द हाई कोर्ट ऑफ लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो है आपका केरला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया इन विच लेवल्स आर द कोर्ट्स? तो वो है आपके तीन लेवल, कौन कौन से होते हैं आपके? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चलिए नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। अब आपका सीएजी के लिए जो इसको शॉर्ट में बोलते हैं उसका क्या आर्टिकल होता है? हमारा वो आर्टिकल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 148। और अगर हम बात करें यहाँ से, क्वेश्चन एक बनता है कि आपके फर्स्ट सीएजी कौन थे? तो वो थे आपके वी नाराहरि राव, वी नाराहरि राव। और जो आपके करंट हैं उनका क्या नाम है सीएजी का? वो है आपके जी सी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हाउ मच रेनफॉल इज द टेन्योर ऑफ
कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द हाईएस्ट सिविल ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो आपका करेक्ट आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका भी करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। अब अगर हम बात करें आर्टिकल की, कि आपका अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है आपका आर्टिकल 76, कौन से पार्ट में? पार्ट 5 में। अगर हम बात करें फर्स्ट आपके जो वो हैं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो थे आपके एमसी स्टेल वार्ड, ये आपके फर्स्ट ऑडिटर जनरल थे। और जो आपके करंट हैं वो हैं आपके के वेणुगोपाल। और हमको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक चीज और बोली जाती है, जो क्वेश्चन बनता है वो बोला जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। सर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हु अपॉइंट जनरल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76 और ऑफ पार्ट 5। फर्स्ट जो थे एमसी स्टेलवॉट, करंट हैं के वेणुगोपाल, और इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू बी हर्ड? एनी लो कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, विच कमीशंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड? करेक्ट आंसर है 1950, बट आपका जो प्लानिंग कमीशन है अब इसको चेंज कर दिया गया है और वो हो गया है आपका नीति आयोग। ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये हुआ था आपका 2015 में, और जो इसके करंट चेयरमैन हैं वो हैं आपके बीवीआर सुब्रमण्यम। ये आपके करंट चेयरमैन हैं इसके नीति आयोग के, बीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज टिल अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स और 6 ईयर्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसका जो आर्टिकल है वो आपका क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है आर्टिकल 315। चलिए नेक्स्ट, एनी मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द रिपोर्ट ऑफ विच कमिटी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन वॉज रिकमेंडेड? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी। अब ये जो आपका कमीशन है ये कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 5 जनवरी 1966 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मुरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट प्रिंसिपल्स आर इलेक्शंस बेस्ड ऑन इन इंडिया? टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल इज द इलेक्शन कमीशन सेटअप? उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 324। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी? राइट टू वोट। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग फॉर सिटीजन्स इन इंडिया? इज 18 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्रेंचाइजी इज अ मेथड इन विच वोटर्स एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। लोकसभा इलेक्टेड इन 2004 वॉज 14th लोकसभा। अ नेशनल पोलिटिकल पार्टी इज वन विच हैज रिसीव्ड 6% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन 4 और मोर स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द बेल अमाउंट ऑफ एन इलेक्शन कैंडिडेट ऑफ लोकसभा और विधानसभा इज 45 व्हेन ही इज अनेबल टू गेट इवन 1/6 ऑफ द टोटल वोट। नेक्स्ट है,
विच पार्टी गेव टू प्राइम मिनिस्टर्स इन टू ईयर्स टाइम? करेक्ट आंसर है जनता दल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? करेक्ट आंसर है लद्दाख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। और जो आपके करंट हैं वो हैं आपके राजीव कुमार। और अगर हम बात करें ओनली लेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो वो कौन थी? यहां से क्वेश्चन बनता है तो उनका नाम है वी एस रामा देवी। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, करंट राजीव कुमार, और जो ओनली लेडी हैं अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो हैं आपकी वी एस रामा देवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी, यूज ऑफ पावर्स बाय द किंग अकॉर्डिंग टू द पावर ऑब्टेंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट। श्री एन हु हैज अज्यूम द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ गोपाला स्वामी? करेक्ट आंसर है नवीन चावला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस इज एज स्पेसिफाइड इन द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट्स 1951। हु अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर? करेक्ट आंसर है गवर्नर। चलिए। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर डिफाइंड? इन आर्टिकल 167। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। व्हेन स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? इन 1956। चलिए नेक्स्ट। मेंटेन्स स्टेट हाईवेज इंडिविजुअल स्टेट्स? What is the maximum fixed number of members of the state legislative assembly? 500. Ordinance promulgated by the governor is subjected to the promulgation by state legislature. Well, next. How many members of the Anglo-Indian community are nominated in the legislative assembly issued by the governor? 1. Chaliye, aaj ka last question dekhte hain. Dash is the name of a state carved out of Madhya Pradesh after the law was passed by the parliament in the year 2000. So, correct answer है 36। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फ्री PDF ई-बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी PDF ई-बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।